गुड इवनिंग एवरीवन। 18 मई है और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 मिनट में स्टॉक मार्केट का एनालिसिस। आज भी लेट हो गया क्योंकि पूरा काम में लगे रह गए और कुछ इम्पोर्टेंट एक्टिविटी थी, तो इसीलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया समय पे। तो सोचा 12 बजे के पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि ये वीडियो आज के लिए वैलिड रह जाए। मार्केट कैसा रहा ओवरऑल? लास्ट 2-3 दिन से मार्केट का रुख जो है वो ऊपर जाके नीचे, और काफी मैंने कंफर्ट के साथ आपको बोला था कि इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। और आप देखिए, जब भी मार्केट ऊपर गया, आज इंट्राडे का भी चार्ट अगर देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, मार्केट ऊपर गया और वापस सेलिंग आ गई। तो मैंने अपनी लाइफ में एक चीज देखी है, जो मेरा 17-18 साल का मार्केट का जो मेरा करियर है, डॉलर इंडेक्स को मैंने बहुत ज्यादा वेटेज दिया, इसलिए मैं उसको गणेश जी बोलता हूँ शेयर बाजार का। अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट का समझ है और आप डॉलर को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आपकी समझ अधूरी है। इसलिए बोलता हूँ मल्टी एसेट मल्टी एसेट मल्टी एसेट, ये जोन अपने माइंड में डालिए। बिकॉज अगर आप मल्टी एसेट नहीं सोचेंगे तो आप बड़ा पैसा शेयर बाजार में ना डिप्लॉय कर पाएंगे ना कमा पाएंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं आज क्या हुआ मार्केट में और क्या हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में। सो लेट्स डू अ स्क्रीन शेयरिंग, लेट्स गेट इनटू द डिस्कशन। सो ये मार्केट है, ये आप देखिए कुछ दिनों से ऑल्दो एफआईज बाय कर रहे हैं बट मार्केट के अंदर में एक नेगेटिव जोन में मार्केट है पिछले कुछ दिनों से। और आज भी देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि मार्केट खुला ऊपर पॉजिटिव, फिर उसके बाद में एक सेलिंग कांस्टेंट, जब भी ऊपर था एक कांस्टेंट सेलिंग, और टुवर्ड्स द एंड में मार्केट सेलिंग में ही था। तो मार्केट के अंदर में सेलिंग क्यों आ रही थी? बिकॉज डॉलर स्ट्रांग था और कर्नाटका इलेक्शन का हैंगओवर मार्केट के ऊपर में है। और जितना भी आप बोलो एग्जिट पोल या कुछ भी बोल लो, अल्टीमेटली द फैक्ट रिमेन्स दैट बीजेपी का लॉस हुआ है और 2024 के अंदर में इस चीज का इम्पैक्ट दिखेगा। ऑल्दो उसके पहले 2-3 और स्टेट्स के इलेक्शन है, हो सकता है कि उससे डायरेक्शन चेंज हो जाए, बट फैक्ट रिमेन्स दैट अब थोड़ा सा पॉलिटिकल टर्मोइल टाइप आ गया है और उसका इम्पैक्ट मार्केट्स पे डेफिनेटली आएगा। और डॉलर भी स्ट्रांग हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट भी मार्केट में जरूर आएगा। डॉलर का एक बार हालचाल देख लेते हैं, तो ये है डॉलर इंडेक्स 103.60, वेरी इंटरेस्टिंग। सो 102 के ऊपर, 102.50 के ऊपर, 103.60 के ऊपर, तो दिस इज नॉट अ गुड न्यूज। बिकॉज अगर डॉलर ऊपर है, यूएस का यील्ड कर्व ऊपर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कंसर्न वापस से है, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर रहेंगे। हो सकता है इस साल अब इन्फ्लेशन के कंसर्न के कारण इंटरेस्ट रेट्स गिरे ना, तो अगर ये सारा रिवर्सल हो गया वापस से, तो वापस से मार्केट जो है वो एक लैकलस्टर जोन में चला जाएगा, जो कि पिछले 1.5 साल से है मार्केट। तो लेट्स सी क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट है बोलना एग्जैक्टली। जैसा कि मैंने एक वीडियो में कहा था, अल्टीमेटली हम सब मिलके गेस वर्क कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मेरा गेस वर्क राइट हो गया हो, बस जरूरी नहीं है कि वो गेस वर्क कल भी राइट होगा। तो मार्केट का अगर ब्रेथ स्टडी करें तो थोड़ा सा मार्केट ब्रेथ कूल ऑफ हुआ है, ये अच्छी बात हो गई कि जो ओवरबॉट मार्केट था अब मार्केट वापस से काइंड ऑफ एक रीजनेबल लेवल पे आ रहा है। तो करेक्शंस थोड़ा बहुत रहेगा, शॉर्ट लिव रहेगा, बट हाँ थोड़ा डायरेक्शन डॉलर इंडेक्स से ही मिलेगा हमको, थोड़ा डायरेक्शन ओवरऑल मार्केट का ब्रेथ से मिलेगा। तो अपेरेंटली लग रहा है कि इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट, तो मैं लेने के हड़बड़ी में नहीं रहूंगा फ्रॉम अ निफ्टी बैंक निफ्टी पर्सपेक्टिव। पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखिए बरकरार है और कैसे कैसे मूवमेंट स्टॉक्स में आ रही है। बहुत स्टॉक्स चीपली अवेलेबल हो रहे हैं, रीजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल हो रहे हैं। तो मेरी राय है कि प्लीज आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस पे दिमाग लगाइए। कोई स्पेसिफिक स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट देर आर इनफ स्टॉक्स इन द मार्केट जहां पर मोमेंटम है, एंड डोंट मिस एन अपॉर्चुनिटी टू आइडेंटिफाई दो स्टॉक्स। स्टॉकेज है जो कि आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने में पूरी तरीके से मदद कर रहा है। तो प्लीज लुक एट दीज स्टॉक्स जहां पर मोमेंटम है, जहां ब्रेकआउट्स है, और इन स्टॉक्स में अपना पार्टिसिपेशन का एक तरीका को डिफाइन करिए और एक पीसफुल मार्केट पार्टिसिपेशन की जर्नी को जी। थैंक यू, मिलते हैं फिर कल, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।